अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्यूचर पेरिंग लैब की जानिब से आज़म अली बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज हमारे पास जो है जैस का 4G डिजिट मोबाइल आया है, तो आज हम इसे अनलॉक करेंगे। हम इंजर से अनलॉक करते हैं कुछ भाई, लेकिन बाद में जब कस्टमर लेकर जाता है तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो उसके बाद जो है वो फिर लॉक हो जाता है। तो अभी मैंने जो ये फाइल है ये पेड है, लेकिन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। पासवर्ड भी इसका मिलेगा, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में इसका जो है वो लिंक दे दिया जाएगा, कीगन जनरेट का भी और फाइल का भी। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा प्रोसीजर ही जो है वो समझा देता हूँ। तो आपने ये दोनों को जो है एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हमने इस फाइल को ओपन करना है, रन करना, और उसके बाद ये जो है की मांगेगा। की के लिए हमें करना ये होगा, तो ये की जनरेट वाली भी जो फाइल जो है वो मैं आपको दे दूँगा। तो आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो आपने ये वाला जो है रजिस्ट्रेशन नेम जो है इसका दे देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपने ये वाला जो हार्डवेयर आईडी है ये वाली आपने कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर जो है ये पेस्ट कर देनी है, और नीचे जो ये जनरेट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो ये की जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है आपने यहाँ पर आपने इसे डाल देना है, और ऊपर नेम जो है वही वाला आपने डाल देना जो आपने यहाँ की जनरेट में डाला था। ये नाम डालने के बाद आपने जो है इसे रजिस्टर पर क्लिक करना है, तो ये फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों फाइल का पासवर्ड लेने की एक मेरी जो है वो छोटी सी रिक्वेस्ट समझ लें या शर्त समझ लें, कि आपने जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वो वाला वीडियो शॉर्ट जो है आपने उसकी पिक्स बनानी, पिक्स बनाने के बाद जो है आपने मुझे सेंड करनी व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको दोनों फाइल का जो है पासवर्ड जो है वो दे दूंगा। तो अभी अब मैंने इसमें सिम डाली है, लेकिन सिम ऑन नहीं हो रही, क्योंकि वो कह रहा है कि जैज वाली सिम डाले इसमें। मैंने इसमें टेलनार की सिम डाली है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं कि टेलीनार की सिम मैंने डाली है। तो अभी आपने करना क्या है कि इसे जो है पासवर्ड में लाने के लिए जो है वो आपने पावर की वाला बटन और हैश वाला बटन आपने दबाना है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने हैश वाले से ऊपर नीचे जाना है, ठीक है। तो आपने दरमियान में आना है, यहाँ पे फास्ट मोड है, और यहाँ पे आपने जो है वो स्टार का बटन दबा देना है। स्टार का बटन दबाने के बाद जो है ये फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। अभी ये नहीं गया, हम दोबारा करके देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, नीचे फास्ट बूट मोड जो है वो इसने राइट कर दिया है। तो आपने करना ये है कि आपने केबल लगानी है, केबल आपने अच्छे वाली यूज़ करनी। तो अभी जो है ऊपर इसने बताया कि हैश वाला बटन आपने दबाना है, हैश वाला बटन हमने दबाना है इसके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अनलॉक डन का ऑप्शन आ गया। तो अभी ये अनलॉक फाइल जो इस पर जो है वो राइट हो रही है। तो मोबाइल के ऊपर भी जो है वो कुछ इस तरह का जो वो है वो राइटिंग शो करता रहेगा। तो आपने दरमियान में इसे उतारना नहीं, वरना आपका मोबाइल जो है वो डेड हो सकता है। फिर आपने मुझे नहीं कुछ कहना कि भाई हमारा मोबाइल जो है वो डेड हो गया। इस फाइल से जो है आपका जो सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट भी हो जाएगा खुद ब खुद।
यानी कि ये 5.2 मेरे ख्याल में है, तो ये 5.2.2 हो जाएगा। ठीक है, तभी ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि फाइल जो राइट हो रही है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पेड फाइल है लेकिन मैं आपको बिल्कुल मुफ्त जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उसी भाई को मिलेगा ये की जनरेट और फाइल उसी को मिलेगी जो भाई जो है चैनल सब्सक्राइब करके और जो है मुझे वो पिक्स जो है वो व्हाट्सएप करेगा, और उसके बाद मैं उसको फौरन जो है उसी वक्त जो है उसको पासवर्ड जो है इसका वो सेंड कर दूंगा। तो वीडियो आपने पूरी देखनी, ये देख लें आप। फिर वो हैश वाला जो है वो मांग रहा है कि हैश वाली की दबाएँ, तो अभी हम एक दफ़ा फिर ये ऊपर देख रहे हैं आप जो है वो बहुत से जो वर्ड चल रहे हैं, तो हमने हैश वाली की दोबारा दबा देनी। ये देख रहे हैं, तो इसके बाद ये खुद ब खुद जो है ऑन हो जाएगा। तो प्रेस कोई भी यानी कि आपने कर देनी ऊपर, उसने जो क्या कहा है कि कोई भी आप यानी कि प्रेस कर दें। तो अभी ये हमने की प्रेस की है, तो इसके ऊपर जो है वो कुछ लैंग्वेज जो है वो और शो होने लगी है, तभी आज इसकी हम जो इसकी केबल जो है वो उतार देंगे। बेहतर तो यह है कि आप पहले ही जो है वाईफाई लगा कर जो है सॉफ्टवेयर इसका अपडेट कर लें, वरना इस फाइल से तो अपडेट हो ही जाएगा। तो अभी हम फ़ोन को जो है फुल ऑन होने देते हैं। वीडियो आपने लाजमी पूरी देखनी। तो ये देख सकते हैं इसका फुल जो है वो फ्लैश हो गया। तो अभी ये तो आपको पता होगा कि हमने नेक्स्ट करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है, फिर स्किप करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट करना है आपने, ओके कर देना है। फिर ओके कर देना आपने, एक्सेप्ट कर देना है और एक्सेप्ट कर देना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी सिम जो है वो बिल्कुल उसी टाइम जो है वो चल पड़ी है, ये अपने जो है वो फंक्शन जो है वो दिखा रहा है। तो ये देख रहे हैं आप ऊपर जो है वो इसकी सर्विस भी आ गई 4G LTE। तो अभी हम जो है इसका नेट जो है वो ऑफ कर देंगे, तो मैं आपको इसका वर्जन भी चेक करवा देता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि ये अपडेट हो चुका है और हमारी सिम जो है अभी चल चुकी है। तो अभी आप कस्टमर को देंगे सॉफ्टवेयर, अपडेट हो या ना हो जो मर्ज़ी हो, लेकिन ये जो है सिम नहीं चलाना बंद करेगा। जो मर्ज़ी सिम आप इसमें डालें, तो आपसे आखिर में भी रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको जो है ये फाइल का जो पासवर्ड है मिलेगा। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।